मेरे मित्रों को नमस्कार, प्लांट लवर्स को नमस्कार। जी दोस्तों, बारिश का मौसम आ गया कि आ गया। दोस्तों जैसे ही बारिश होती है, कुछ एक बातें हमारी गार्डनिंग के सिलसिले में नई चालू होती है। होंगी क्यों नहीं, क्योंकि हमें जो बनाना होता है खुशनुमा माहौल। जी दोस्तों, चलिए टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, मैं सोचती हूँ कि कुछ एक बात हो जाए खास उपयोग की। जी दोस्तों देखिए, बारिश के अंदर हम लोग नर्सरी जाते हैं, नर्सरी में विजिट करने जाते हैं। कुछ एक प्राइवेट नर्सरी होती है, कुछ एक सरकारी नर्सरी होती है। सरकारी नर्सरी के प्रति हमारी धारणा होती है कि वहाँ बहुत अच्छे पौधे नहीं मिलते, लेकिन आप ज़रूर विजिट कीजिए। सरकारी नर्सरी में भी आजकल बहुत अच्छे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, जैसे कि मेरे शहर में हैं। ठीक है, वहाँ आपको वैरायटी ना मिले, लेकिन अगर आप अपने आसपास में कुछ एक पौधों को लगाना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जेब को टटोलें। हाँ, आप सरकारी नर्सरी से भी पौधे लेकर के लगा सकते हैं और बना सकते हैं अपने शहर को इतना खुशनुमा जितना कि ये मेरा अपना शहर है, कितना हरा भरा। दूसरी बात है, बिना बजट के करने की बात है कि आप किसी कबाड़ी वाले के पास जाइए, जैसे कि अक्सर मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो खुली जगह है वो कम है। तो वहाँ से कुछ एक कंटेनर ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, उसके अंदर भी आप पौधे लगा सकते हैं। बड़ी कोई बाल्टी ले लीजिए, बड़ा कोई टब ले लीजिए, उसके अंदर भी आप वेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। और यही तो हमें, हम गार्डनर्स के अंदर टैलेंट होना चाहिए कि हम लोग वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं। दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों हम लोग, कि और क्या करें ताकि हमारी गार्डनिंग हो जाए बेहतर। किसी, आप जब भी नर्सरी वाले के पास जाएं तो आँख मूंद करके पौधा नहीं लाए। दोस्तों बहुत अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मौसम परिवर्तन के कारण, या वैसे कह लीजिए कि कोई उसके ऊपर साइड, कोई ना कोई उसके ऊपर इस तरह का इफ़ेक्ट पड़ा हुआ होता है, लीव्स वगैरह उसकी ख़राब होती हैं, या कोई उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आ जाता है जिससे कि हमारी और भी नर्सरी को ख़राब कर देता है, यानी हमारे और भी पेड़ पौधों को ख़राब कर देता है। तो आप नर्सरी में जब भी जाएं, हेल्दी प्लांट लेकर के आएँ, हेल्दी देखें उसको कि वो कितना हेल्दी है। जो प्लांट जितना हेल्दी होगा वो उतना ही जल्दी अच्छी तरह से आपके इसमें सर्वाइव कर जाएगा आपके घर पर आने के बाद। तो आप उसको उलट पुलट करके बहुत अच्छी तरह से देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि नर्सरी वाले कई बार हम लोगों को ऐसे ठग लेते हैं कि भाई हाँ ये पौधा अच्छा है, देखिए इसकी अच्छी ग्रोथ है, और हम भी आँख मूंद करके ले आते हैं। तो अच्छे हेल्दी इंसान को देख करके जैसे पता लग जाता है दोस्तों, उसी तरह से हेल्दी प्लांट को देख करके भी पता लग ही जाता है। तो आप हेल्दी प्लांट लेकर के आए। चौथी बात दोस्तों है इम्पोर्टेंट, कि आप उस प्लांट को घर पर ले आए। ऐसे जैसे कि नर्सरी से आप अपने घर पर किसी मेहमान को ले आए हों। जी दोस्तों, तो अब उसका पालन पोषण आपके हाथ में, आते ही उसको ऐसा नहीं कि हाँ भाई लिया, खोदा, करा और उसको दबा दिया और डाल दिया। एक नए एनवायरनमेंट में आया हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्लांट्स के साथ रहता था दोस्तों वो, और अब वो बेचारा अकेला आकर के आपके घर पर सर्वाइव कैसे करेगा। इसके लिए उसको एक एनवायरनमेंट दीजिए, दो चार दिन उसे और पौधों के पास में रख दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि वो एडजस्ट होना सीखेगा। एडजस्टमेंट लाइफ में ज़रूरी है दोस्तों, तो एडजस्ट होना सीखेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ला करके पौधों को ऐसे नहीं कि जल्दी से लगा दें। फिर है कि नर्सरी के अंदर आप देखिए कि पौधा जो है एक इतने से बैग के अंदर लगा हुआ था, अब आपको बड़े उसमें जगह पर लगाना है। तो उस मिट्टी को पहले अच्छी तरह से तैयार कीजिए, आप ज़मीन को तैयार करो अच्छी तरह से, गुड़ाई करके उसके अंदर जो भी कुछ डालना आपको, कंपोस्ट वगैरह वो सब डालिए, कंपोस्ट डाल करके, और तब जाकर के अच्छी खुदाई करके उस जगह को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि आप चार चार इंच, दो दो इंच खोद दें और पौधे को लगा दें, अदरवाइज़ वो बेचारा वहाँ से भी जाएगा और आपके यहाँ पर आकर के पनप ही नहीं पाएगा। कहते ना, जैसी भूमि होती है वैसी गत होती है, यानी भूमि को अच्छी तरह से तैयार कीजिए दोस्तों। और भी बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।